हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोम सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप्टी क्लासेस में। आज जो हम करने वाले हैं ये सीबीएसई का क्लास 10th का जो सैंपल पेपर आया है, आप आ गया है, आप डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा वो लिंक सैंपल पेपर का। तो मैथ का जो टर्म 2 का सैंपल पेपर आया है उसको ही सॉल्व करेंगे, हम तीन पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। आज जो मैं कराने वाला हूं वो सेक्शन ए कराने वाला हूं, फिर आने वाले में सेक्शन बी और सेक्शन सी कराऊंगा। तो जो सेक्शन ए है इसमें आपके कितने क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन हैं, इन 6 क्वेश्चन कराऊंगा और सारे के सारे जो सेक्शन ए हैं वो 2-2 मार्क्स के हैं। तो अब जो सीबीएसई का नया सैंपल पेपर आया है उसमें 2-2, 3-3 और 4-4 मार्क्स के हैं, आपके 2 घंटे का पेपर है ये और 40 मार्क्स का पूरा ये पेपर बनाया गया है, ठीक है। तो जो पेपर है काफ़ी ईजी है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, पर हाँ आपको अगर कॉन्सेप्ट आते हैं तो आसानी से आप उसको सॉल्व कर लोगे, अगर आपको नहीं आते तो पक्का फंसोगे कि थोड़ा सा लेंथी भी है। तो चलो शुरू करते हैं। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक एपी है 6, 9, 12 एंड 15 और हमसे पूछा गया है कि A25 - A15 कितना होगा। तो ये एपी दे रखा है, एपी का फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, 6, कॉमन डिफरेंस क्या होगा A2 - A1, तो 9 में से 6 गया तो कितना आ गया 3, हमारे पास A आ गया, हमारे पास D आ गया। तो A25 का मतलब क्या होता है, A25 का मतलब होता है A+24D। मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया है, कौन सा, An का फॉर्मूला लगाया है जो होता है A+(n-1)(D), ये वाला फॉर्मूला लगाया और यहाँ पुट किया। तो A+24D माइनस A15 का वैल्यू क्या होगा, A+14D। तो A+24D माइनस A-14D, A से A कट गया, 24D - 14D, तो 24 में से 14 गया तो कितना बच गया तुम्हारा 10D, और D की वैल्यू कितने दे रखा है 3, तो 10 × 3 तो आंसर कितना आ गया 30। इसी क्वेश्चन फर्स्ट का एक और पार्ट भी दे रखा है, उसमें कह रहा है कि 7 times the 7th term ऑफ एन AP इज इक्वल टू 5 times the 5th term देन द फाइनल वैल्यू ऑफ 12th term। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है 7th time of 7th term इज इक्वल टू 5 times of 5th term। इसका मतलब ये है, तो पुट कर देते हैं, A7 की वैल्यू पे क्या लूंगा, A+6D, फिर से मैंने An वाला फॉर्मूला डाला है, इक्वल टू 5A+5 का हो जाएगा 4D। तो 7A+42D इक्वल टू 5A+20D, 5A को इधर लेकर 7 में से 5A गया तो 2A और 20 में से 42D गया तो -22D। तो A बराबर कितना आ गया -11D। अब हमें क्या निकालना है, A12 निकालना है, 12th term निकालना है, तो 12th term क्या होगा A+11D और A की जगह पे क्या डाल सकता हूँ -11D ऊपर से +11D, तो आंसर कितना आ गया 0। एक बात का ध्यान रखना कि स्टेप्स मिस मत करना, फॉर्मूले लिखना जरूर, जैसे फॉर्मूले ये फॉर्मूले जो यूज कर रहे हो इसको तरीके से लिखना, मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ पर जब तुम करना पेपर में या प्रैक्टिस में करना तो एक एक स्टेप, कहते हैं कि डांस और दूसरा मैथमेटिक्स, स्टेप्स के मार्क्स हैं और CBSE तो रो रो के नंबर देता है स्टेप्स में, तो स्टेप्स अगर जहां मिस्टेक करिए वो काटने में कोई कसर नहीं छोड़ता, तो ध्यान से सारे के सारे स्टेप लिख के चलना। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx 5x हैज 2 equal roots। क्वेश्चन आपका है सेकंड, इसका है mx 5x - 6, हमें m की वैल्यू पूछ रहा है और इसका जो रूट्स होंगे वो क्या है 2 equal roots। 2 equal roots के लिए पहले मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में से क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है आइडियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके फॉर्म में चेंज करूंगा, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 5mx² - 6mx, ये मैंने चेंज कर दिया। जो तुम्हारा इक्वल रूट्स होते हैं, इक्वल रूट्स के लिए B² - 4AC इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पे B मुझे साफ साफ दिख रहा है -6m का स्क्वायर -4, A की वैल्यू कितनी है 5m और C कुछ है ही नहीं तो हो गया 0 इक्वल टू 0, तो 36m² - 0 इक्वल टू 0, यानी 36m² बराबर कितना आ जाएगा 0, तो m² बराबर 0, यानी m बराबर भी कितना आ जाएगा 0। तो ये मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन है ये एक मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है क्योंकि m इक्वल टू 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता m इक्वल टू 0, क्योंकि m इक्वल टू अगर 0 आएगा तो भैया यहाँ पुट करोगे तो ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रह जाएगा,
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कुछ भी नहीं रह जाएगा, ये एक जो पूरी वैल्यू आएगी वो जीरो के बराबर आ जाएगी, तो ये है ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप एक बार चेक कर लेना, जो मेरे हिसाब से इसका जो क्वेश्चन है ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें है प्लस नाइन, यानी यहाँ पे प्लस नाइन भी लेके चलना है। तो क्वेश्चन में देख लेना उसमें मिसिंग है, पर यहाँ पे प्लस नाइन लेके चलोगे तब जाके आपका कुछ आंसर आएगा। तो यहाँ पे प्लस नाइन कर देना, इक्वल टू जीरो, प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ से चेंज कर देते हैं। तो बी स्क्वायर, कहाँ क्या कर रहा हूँ यार, फॉर्मूला डालते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस सिक्स एम का स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू कितनी है फाइव एम, और सी की वैल्यू कितनी है नाइन, इक्वल टू जीरो। तो छत्तीस एम स्क्वायर माइनस पंचों को बीस और नदुरे अठारह, यानी एक सौ अस्सी एम इक्वल टू जीरो। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपका छत्तीस एम कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा एम माइनस फाइव, यस एम माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, एम इक्वल टू जीरो आ जाएगा एक, और एक आ जाएगा एम इक्वल टू फाइव, ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन एक सर्कल से रिलेटेड है, थर्ड क्वेश्चन सर्कल से रिलेटेड है। आपको एक सर्कल है, ये आपका सर्कल है और ये टेंजेंट बना रखा है, इसका नाम है पी, ये है ए, ये है बी। सेंटर से जहां टेंजेंट मीट कर रहा है उसकी लेंथ कितनी है 2r, ये दे रखा है r और ये लेंथ है, ठीक है। जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, पूछा है कि ए पी बी कितना होगा, ए पी बी यानी ये वाला पूरा एंगल कितना होगा, आपको बेसिकली बस ये सिंपल सा पूछ रखा है। तो ये है सर्कल का क्वेश्चन, पर जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे आपका ट्रिग्नोमेट्री। हमें पता है कि अगर ये एंगल x होता है तो ये भी कितना होता है x, तो ये एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल कौन सा, दिस इज अवर P और ये हो गया आपका A एंड दिस इज B, सॉरी O, तो ये क्या हो गया आपका O, ओ ए की वैल्यू R दे रखी है और ये आपको दे रखा है 2R, यहाँ 90 बनता है, तो मैं और हमें ये x निकालना है, तो मैं साइन x लगा सकता हूँ। साइन x बराबर क्या होगा, साइन x बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, r अपॉन में 2r। मैंने साइन x क्यों लगाया, कोई और ट्रिग्नोमेट्री क्यों लगाया, क्योंकि सामने परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेनस दे रखा है, तो या तो मैं कॉसिक लगाऊंगा या साइन लगाऊंगा, तो मैंने साइन लगा दिया। तो साइन x बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 यानी साइन 30 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। अगर ये x आएगा तो पूरा एंगल ए पी वी कितना आ जाएगा, 30 प्लस 30 यानी 60 डिग्री। अब आपसे पूछा गया कि ये कौन सा ट्रायंगल है, तो भैया सिंपल सी बात है कि ये 60 है, ये दोनों साइड इक्वल होती हैं, यानी ये भी क्या होगा, ये और ये सेम एंगल होगा। तो मैं इसको नाम देता हूँ, मान लो y नाम दे दिया मैंने, इसको y और इसको y, तो ये कितना हो गया 60 प्लस y प्लस y इक्वल टू 180, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 120, तो y बराबर कितना आ जाएगा 60। ये y y क्यों लिया, क्योंकि भैया टेंजेंट होता है और टेंजेंट के सामने वाले एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, कह रहा था कट सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, फाइंड द हाइट। हमें हाइट निकालना है, रेडियस हमें दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो कर्व सरफेस एरिया होता है कोन का वो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया जो कोन का होता है, होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल बराबर दे रखा है 12320, एल बराबर क्या होगा, एल बराबर होगा 12320 और 22 बटे में 7 पाई की वैल्यू, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 56। तो एल बराबर होगा 12320 इंटू में 7 अपॉन में 22 इंटू में 56, ठीक है। ये आपका पूरा कट जाएगा 560 बार में और ये जाएगा 10 बार में, तो L बराबर कितना आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है, हमें H निकालना है, तो H स्क्वायर बराबर क्या होगा, अंडर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। H बराबर क्या होगा, अंडर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। L की वैल्यू कितनी है 70 का स्क्वायर और R की वैल्यू कितनी दे रखी है 56 का स्क्वायर। तो 70 का इसका सॉल्व करोगे और लगभग इतना आएगा आंसर 126 सेंटीमीटर आपका ये आंसर दे देगा, ठीक है। हाइट बराबर और को भी कुछ निकालना है, फाइंड द हाइट, बस हमें हाइट निकालना है, तो 42 सेंटीमीटर आ गया, बात खत्म।
फोर्थ हो गया। अब बात करते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन पे। मिस्टर गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क ऑब्टेन बाय द फिगर 42। ओके 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 ओके। हमें फ्रीक्वेंसी पूछा है, हमें फ्रीक्वेंसी मतलब निकालना है, हमें मोड दे रखा है, तो यूज करते हैं इसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आपने स्टैट्स पढ़ रखा है चैप्टर तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर दोगे, और नहीं पढ़ रखा तो फिर तो दिक्कत है भैया। और देखो मैथ बहुत आसान है, ठीक है, मेन है कि प्रैक्टिस पे। अब तुमने प्रैक्टिस नहीं किया और उम्मीद करके चल रहे हो कि तुम्हारे नंबर आएंगे, तो बाबू भ्रम में हो, भ्रम में जी रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो और कुछ नहीं। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले डाटा लिख लेते हैं, इससे हमें डाटा क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले जो हमें मोड, जो मोड दे रखा है वो कितना दे रखा है, मॉडल मार्क्स दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, मॉडल मार्क्स दे रखा है 45, मॉडल मार्क्स 45 दे रखा है। तो उसके हिसाब से हमारा जो मॉडल क्लास होगा वो कितना हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा अपना 40 to 60 वाला, 40 to 60। अब इसकी जो हाइट होगी h हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 60 - 40 यानी 20। लोएस्ट टर्म l कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। और कुछ निकालना है नहीं। एफ नॉट, एफ नॉट होता है एफ जीरो, हमें फ्रीक्वेंसी एफ वन निकालना है, और एफ जीरो उस एफ वन के जस्ट पहले वाला फ्रीक्वेंसी। तो एफ जीरो कितना आपको दे रखा है, आपको दे रखा है 10। और एफ टू होता है एफ वन के अगले वाला जो निकालना है उसके अगले वाला फ्रीक्वेंसी यानी 6। जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉडल बराबर एल प्लस एच माइनस एफ वन माइनस एफ नॉट जीरो अपॉन में 2f1 माइनस एफ टू। और जस्ट वैल्यू इनपुट करते हैं, मॉडल की वैल्यू 45 दे रखी है, लोएस्ट कितना दे रखा है हमें 40, प्लस एच कितना दे रखा है हमें 20, f1 हमें निकालना है माइनस 10 अपॉन में 2 इंटू में f1 माइनस 10 माइनस 6। सॉल्व कर लेते हैं, ये 40 इधर गया तो 5, और ये 20 को डिवाइड कर दिया, 45 में से 40 गया तो 5 बचा और 20 को मैंने नीचे भेज दिया, और ये हो गया f1 माइनस 10 अपॉन में 2f1 माइनस 16। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 × 10 f1 माइनस 16 × 5 = 80। इसको इधर मल्टीप्लाई किया और इसको इधर कर रहा हूँ तो 20f1 माइनस 200। इनको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आ जाओ, तो 200 माइनस 80 इक्वल टू 20f1 माइनस 10f1, तो ये आपका हो जाएगा 120 बराबर 10f1 यानी f1 बराबर कितना आ जाएगा 12। तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई कितनी है, 12 है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना, छठा जो क्वेश्चन है और में है, दो क्वेश्चन है इसमें और दोनों ही क्वाड्रेटिक के हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीतु वर यंगर बाई 5 years, देन वॉट सी रियली इज। यंगर जब आता है छोटे का मतलब, यानी अभी अगर मान लो रितु की प्रेजेंट एज कितनी है, लेट द प्रेजेंट एज एज ऑफ रितु, क्वेश्चन नंबर ये छठा है, रितु बराबर एक्स ईयर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इफ रितु वर यंगर देन 5 years देन दैट सी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज would have been 11 more than 5 times her present age. So then the square of her age would be, yani agar x hai to 5 saal pehle ka jo square hoga, then the square of her x minus 5 ka square hoga 5 times of 11. देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, इफ रितु और यंगर बाय 5 years, अगर रितु 5 साल अगर छोटी होगी, देन दैट सीरियली एज, यानी अभी जितनी एज है उससे 5 साल अगर छोटी होगी, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 times हर प्रेजेंट एज। तब उसके स्क्वायर यानी 5 साल छोटी जो होगी उसका स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा उससे प्रेजेंट एज से 5 गुने में से ज्यादा, 11 ज्यादा, यानी 5 साल छोटी होगी तो उसका स्क्वायर उसके 5 times प्रेजेंट एज के 5 times से 11 ज्यादा होगी। तो ये आपका इक्वेशन बनेगा, वो ये बनेगा, सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10x, मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर डाल दिया, बराबर 5x प्लस 11। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x और 11 माइनस 25 कर देते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 15x और ये आपका जाएगा तो 14 और इधर लेके आ जाओ तो माइनस 14 प्लस 14 इक्वल टू 0। आपके पास दो ऑप्शन है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डाल दो या स्प्लिटिंग मेथड, जो आपको पसंद आए वो कर लो। तो एक्स स्क्वायर मैं अपना स्प्लिटिंग मेथड कर लेता हूँ, मुझे जल्दी हो जाएगा उससे, इक्वल टू 0। तो एक्स एक्स माइनस 14 माइनस 1 और एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 14 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 14 और 1। एम आई राइट? जो रितु की एज होगी वो एक 14 साल हो सकती है और एक साल हो सकती है, ठीक है। अब एक वाला क्यों नहीं होगा, एक साल जो होगा वो पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि एक साल अब लेके चलेंगे तो 5 साल पहले उसका जो एज हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा। तो एक वाला अपने लेके नहीं चलेंगे और आंसर जो होगा वो क्या होगा, बस एक्स इक्वल टू 15 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इसी का ये पार्ट है और जो क्वेश्चन है सॉल्व 9x स्क्वायर, जो क्वेश्चन है ये है आपका सॉल्व 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है और आपको पूछा है कि इसको सॉल्व करो, मतलब इसका स्क्वायर सॉल्व जब भी पूछा जा रहा है, यानी आपको क्या निकालना है, इसके रूट्स निकालने हैं। तो इसके लिए आप जो मेथड यूज करोगे वो यूज करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उसके लिए आपको ए बी सी सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अब ए बी सी जिसको नहीं पता वो जान लो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिंपल सा होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन है, यानी सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी की तरह होते हैं, ये हम मान के चलते हैं। वहां से हम उठाते हैं ए, ए वो होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, बी जो एक्स के साथ होता है, जो कांस्टेंट होता है वो सी होता है, और इसी के बेसिस पे तुम्हारा बनता है तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो यूज करते हैं, हमारा ए क्या होगा, हमारा ए होगा 9, बी क्या होगा माइनस 6p और सी क्या होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो क्या है, वो है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो माइनस बी यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 6p प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब माइनस 6p का होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है 9 और c की वैल्यू कितनी है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 into a यानी 9। तो ये हो गया 6p प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन, यहां हो गया 36p स्क्वायर माइनस 9 चौके 36 और 36 इंटू पी किया तो 36p² और माइनस माइनस प्लस 36q² अपॉन में 18, ठीक है। सिक्स पी प्लस माइनस 36 से 36 कट जाएगा, बचेगा 36q² अपॉन में 18। एक्स बराबर ये चल रहा है तो एक्स बराबर 6p प्लस माइनस, बाहर निकालोगे तो 36 का हो गया 6 और क्यू का क्यू हो गया बराबर 18। 6 कॉमन निकाल के काट सकते हो तो x बराबर क्या आएगा p प्लस माइनस क्यू अपॉन में 3, यानी जो x की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, एक p प्लस क्यू अपॉन में 3 और एक आएगा p माइनस क्यू अपॉन में 3। आई होप ये समझ में आ गया होगा, और किसी क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है कि हाँ ये थोड़ा कैसे हुआ तो वीडियो जो कमेंट बॉक्स होगा वहाँ पे आप लिख दीजिएगा, अगले वीडियो में मैं उसको सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। आज के लिए नहीं, सबक है, टेक केयर, बाय बाय।